नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बॉयफ्रेंड को वश में करने का उपाय आज आपके लिए गुरु मां सरोज देवी जी लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप अपने मनचले बॉयफ्रेंड को वश में कर सकते हैं। आपका बॉयफ्रेंड जो आपका कहना नहीं मानता है, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, किसी और औरत की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो लगातार आपको परेशान करने की कोशिश करता है, आपको सताता रहता है, तो आप इस उपाय के जरिए उसको वश में कर सकते हैं। आप उसको अपने मन चाहे काम निकलवाने के लिए भी वश में कर सकते हैं। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर जा चुका है तो भी आपके लिए ये उपाय कार्य करेगा और उसको वापस आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। आप जो भी काम उससे निकलवाना चाहते हैं इस उपाय के जरिए निकलवा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और सरल सा उपाय होता है। इसके करने के लिए आपने एक छोटी सी ज्योतिषी विद्या का प्रयोग करना है। इसी विद्या के अकॉर्डिंग आपने एक मंत्र का उच्चारण भी करना है, सिर्फ और सिर्फ 21 बार। अगर आप एक बार अच्छे तरीके से इस मंत्र का उच्चारण कर लेंगे तो आपका बॉयफ्रेंड आपके पास वापस लौट आएगा। दोस्तों, ये मंत्र आपकी राशि के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। गुरु मां सरोज देवी जी ने पुराने वेदों से लिए गए हुए मंत्रों से इस मंत्र को तैयार किया है और इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ सिद्ध किया है। आपके लिए इसको कार्य करने में सिर्फ 3 घंटे का टाइम लगता है और 3 घंटे के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, बशर्ते आपने ये उपाय अच्छे से और बताई गई हुई निर्देशों के साथ करना होता है। अगर आप एक बार अच्छे से कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका बॉयफ्रेंड जो है वो आपके वश में आ जाएगा और कभी भी आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा, आपको सताएगा नहीं, आपका कहना मानेगा और जो भी आप उसको करने के लिए कहोगे वो करेगा। तो अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना चाहते हैं, उसे मन चाहे अपने कार्य निकलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड कभी भी आपको छोड़कर ना जा पाए, उसको वश में करना चाहते हैं, तो बिना देर करते हुए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके आप गुरु मां सरोज देवी जी से संपर्क कर सकते हैं। आप उन्हें व्हाट्सएप पर भी संपर्क करके अपने परेशानियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।